इंडियन मार्केट में धूम मचाने के लिए आ गई है फिर से ESD। 70 से 90 के दशक में जिसने सबको पीछे कर दिया था, टोटल कंपनी ने 3 नए वेरिएंट लॉन्च किए हैं, स्क्रैम्बलर, रोडस्टर और एडवेंचर। और आज हम लोग जानेंगे रोडस्टर के बारे में, और ये कलर है हंटर ग्रीन। टोटल ये आपको 5 कलर्स में अवेलेबल है। बात करें इसके एक शोरूम प्राइस की, तो मऊ में 2,04,161 रुपये इसके एक शोरूम प्राइस है। और इसको आप रिबॉर्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि रोडस्टर पहले रोड किंग के नाम से लॉन्च हुई थी। बात करेंगे हम इसके फुल स्पेक्स और फीचर्स के बारे में। तो गाइज, जो चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं कि जो भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइज, प्लीज़ वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें कि इस बाइक में आपको क्या अच्छा लगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके ग्राफिक्स और डिज़ाइन के बारे में। तो टैंक पे आपको ESD का लोगो, रोडस्टर का यहाँ पे लोगो आपको देखने को मिलेगा, हल्का सा यहाँ पे जावा 42 का यहाँ पे आपको डिज़ाइन इसमें देखने को मिलेगा। फ्यूल कैप के बगल में आपको ESD मोटरसाइकिल ट्राइब लिखा हुआ देखने को मिलेगा। सीट्स आप देख सकते हैं, डुअल डिवाइडेड सीट है। और फ्रंट में आपको यहाँ पे जो लेग गार्ड है, कुछ ऐसा आपको इस बाइक में मिलेगा। इसके साथ आपको एक्सेसरीज भी अवेलेबल है गाइस, तो आप शोरूम पे जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। गाइज, यहाँ पे आप इंजन का सेटअप कुछ ऐसा देख सकते हैं, और रोडस्टर लिखा हुआ है जो काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। और फुल्ली यहाँ पे कंप्लीट और फुल्ली भरी हुई ये बाइक लगती है। ओवरऑल लुक के बारे में अगर बात करें तो कंपनी ने अच्छा खासा इस पर वर्क किया है, वो तो वक्त ही बताएगा कि लोगों को कितनी ये भाती है। गाइज, अब हम बढ़ेंगे इसके हैंडल बार की तरफ। तो टोगल्स बटन्स इसमें आप देख सकते हैं जो स्विच दिए गए हैं, और डिजिटल यहाँ पे आपको कंसोल देखने को मिलेगा। इसमें आपको ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल क्लॉक भी आप देख सकते हैं। गियर इंडिकेटर है, साइड स्टैंड कट ऑफ दिया गया इसमें, ABS की लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर्स, न्यूट्रल्स की लाइट बिल्कुल आप देख सकते हैं। और गाइज, ESD का लोगो आपको यहाँ पे हैंडल बार पे देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग करने पे कुछ ऐसा आपको इसमें लुक प्रोवाइड करती है ये डिजिटल कंसोल। गाइज, राइट हैंडल बार पे आप इंजन किल स्विच, हजार्ड के लाइट और स्टार्ट का बटन देखने को मिलेगा। और गाइज, बात करें हम इसके इंजन के बारे में, तो इसमें आपको 334 cc का इंजन दिया गया है जो BS6 है, पेट्रोल पे वर्क करता है। 4 वॉल्व दिए गए हैं पर सिलेंडर, डिजिटल इग्निशन है, लिक्विड कूल्ड सिस्टम वैसे ही ESD में आते हैं जो जावा में आते हैं। फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दिया गया है। और गियर शिफ्टिंग की बात करें तो 1 डाउन 5 अप के साथ टोटल 6 गियर इसमें आपको मिलेंगे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 12.5 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक दिया गया है। मैक्सिमम पावर 29.29 दिया गया है BHP का, 7300 RPM पे। टॉर्क इसमें आपको 29 mm का दिया गया है, 6500 RPM पे। गाइज, फ्रंट से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा लुक प्रोवाइड करता है, और भरी हुई तो बाइक क्या ही बात करें, आप देख सकते हैं फुल्ली यहाँ पे बीस्ट लगती है फ्रंट से। मेटल का यहाँ पे आपको मडगार्ड मिलेगा, बाइब्री के ब्रेक्स हैं। फ्रंट में आपको 100x90 के यहाँ पे आपको टायर्स दिए गए हैं जो एलॉय ट्यूबलेस आते हैं फ्लोटिंग कैलिपर के साथ, और पीछे आपको 130x80 का टायर्स देखने को मिलेगा। गाइज, फ्रंट में आपको 320 mm का डिस्क ब्रेक, पीछे आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। ये बाइक डुअल चैनल ABS के साथ आती है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक कॉइल स्प्रिंग दिए गए हैं, पीछे आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर विथ गैस कैनिस्टर दिया गया है। ज़्यादा इस बाइक का वेट नहीं है, अराउंड रॉयल एनफील्ड से आपको 6 kg कम ही मिलेगा जो मीटियोर है, 184 kg का टोटल वेट है। और व्हील बेस की बात करें तो 1440 mm का व्हील बेस है, ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ही ठाक है, 175 mm का दिया गया है। सीट हाइट है, जो कम हाइट के लोग हैं वो भी इसको चला पाएंगे, 790 mm का सीट हाइट दिया गया है। और गाइज, बात करें हम इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस में आपको ये नाराज़ नहीं करेगी, ये इतनी अच्छी खासी स्मूथ चलती है। मैंने इसका टेस्ट ड्राइव लिया शोरूम पे ही, काफ़ी ये स्मूथ चलती है, और मीटियोर को ये टक्कर देने वाली है फ्यूचर में। और गाइज, फ्यूचर में क्या ये अभी टक्कर दे रही होगी। तो दोस्तों, स्पेशल थैंक्स हम करेंगे हिंद ऑटोमोटिव का, जिन्होंने ये बाइक प्रोवाइड की रिकॉर्डिंग के लिए। और गाइज, होप आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। अगर एंजॉय किए होंगे तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और गाइज, प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें कि आपको इस बाइक में क्या अच्छा लगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।